केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पोषण ट्रैकर ऐप के खिलाफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की हड़ताल 19वां दिन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का आरोप है कि इतने पढ़े लिखे न होने के कारण इस ऐप को समझ नहीं पा रही, जिससे केंद्र सरकार जबरदस्ती उन पर थोप रही है। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने रोहतक के मानसरोवर पार्क से लेकर डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन कर विरोध जताया है। उनका कहना है कि इस ऐप का जोर विरोध करेंगे और जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती कोई भी सरकारी काम नहीं किया जाएगा। हालांकि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में बातचीत करने के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि किन किन बातों की सहमति बनती है। अगर फिर भी सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो प्रदर्शन जारी रहेगा। आज हमारा 19 पदक है, हमारी तालमेल कमेटी की 21 नवंबर को मीटिंग हुई और उसके बाद हमने सरकार को 22 नवंबर को नोटिस दे दिया। हम 8 दिसंबर से पूरे देश के अंदर हड़ताल पर बैठे हुए। मुख्य मांग हमारी ये है, जैसे नियुक्त मजदूरी हमारी 24,000 रुपये वर्कर की, 16,000 हेल्पर की, और रिटायरमेंट के बाद हमारी मैडम को जैसे धक्के मारे जा रहा कुछ नहीं मिलता, उनको हमारी मांग ये है 5,00,000 रुपये वर्कर को, 3,00,000 रुपये हेल्पर को दी जाए।